उसको कहते हैं? ग्लास वो नहीं होगा, पानी पीने वाला ग्लास नहीं उसको कहते, ग्लास कहते हैं शीशे को। ठीक है, टॉपिक है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन वन है हाउ ग्लास इज मेड, कि ग्लास बनता कैसे है, यानी कि शीशा शीशा बनता कैसे है। ग्लास इज मेड बाय हीटिंग टूगेदर, हीटिंग का मतलब होता है हरारा देना या गर्म करना, टूगेदर का मतलब होगा इकट्ठा, सैंड यानी कि जो रेत होती है, एंड सोडा लाइम, सोडा लाइम कहते हैं चूने को। चूने का आप लोगों को पता होगा, चूना जो हम दीवारों पे करते हैं। ठीक है, इन फर्नेस, फर्नेस कहते हैं भट्टी को। ठीक है, अब ग्लास कैसे बनता है? ग्लास इज मेड बाय हीटिंग टुगेदर सैंड रेत को और सोडा लाइम को इकट्ठा गर्म करने से, किसमें, भट्टी में गर्म करने से क्या बनता है? ग्लास यानी कि शीशा बनता है। क्वेश्चन टू है नेम समथिंग विच हैव लेंसेज इन देम, अब उन चीजों के नाम बताएं कि जो इसमें हम ग्लास में लेंस, लेंस का मतलब होता है जिसमें लगा सकते हैं। आंसर है बायनोक्यूलर्स, बाइनोक्यूलर्स भी कहते हैं टेलीस्कोप की एक किस्म होती है, उनको कहते हैं बाइनोक्यूलर्स कहते हैं। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप वो होती है, दूरबीन कहते हैं, दूरबीन वो होती है जिससे हम दूर की चीजों को इजीली देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेलीस्कोप कहते हैं। कैमरास, कैमरास जिनसे आप तस्वीरें तो बनाते हैं एटसेट्रा। तो क्या क्या बन सकता है ग्लास से? बाइनोक्यूलर्स, टेलीस्कोप, कैमरास एटसेट्रा। क्वेश्चन थ्री है व्हाट टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन डोर्स एंड विंडोज, डोर क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं, विंडोज क्या होती हैं? खिड़कियों को कहते हैं। अब वो क्वेश्चन में पूछें कि किस किस्म का जो ग्लास होता है डोर्स और विंडो में यूज किया जाता है। आंसर है ट्रांसपेरेंट ग्लास। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास ऐसा होता है यानी कि शफाफ, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है शफाफ, ऐसा शीशा जिसमें से हम इर्द गिर्द की चीजों को आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लें, जैसे वो आपकी ग्लासेस होती हैं नजर वाली, उनका जो शीशा होता है क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, उससे हम इजीली इधर उधर की चीजों को देख सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियरली दिखाई देती है। तो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि बिल्कुल साफ होता है, जिसके थ्रू हम इधर उधर इजीली देख सकते हैं, इज यूज इन डोर्स एंड विंडोज। किस किस टाइप का शीशा यूज किया जाता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्वेश्चन फोर है व्हाई वी यूज इंसुलेशन, हम इंसुलेशन क्यों यूज करते हैं? इंसुलेशन क्या होती है? आउटर कवरिंग को कहते हैं या प्रोटेक्टिव लेयर को कहते हैं। ठीक है, आंसर है वी यूज इंसुलेशन, हम इंसुलेशन इसलिए यूज करते हैं टू कीप हाउसेस वार्म और कूल। हम इंसुलेशन किस लिए यूज करते हैं? हमारे घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए। गर्म किस सेंस में रखेंगे? सर्दियों में जब हम हीटर चलाते हैं अपने रूम को गर्म करने के लिए, और उसमें इंसुलेशन हुई होगी तो वो रूम गर्म रहेगा। और गर्मियों में जैसे हम एसी चलाते हैं तो रूम ठंडा करने के लिए, जैसे अब एसी चलाने लगाने के लिए वो कहते हैं कि आपको पहले वो उसकी जो रूफ होती है उसको कवर कराना पड़ेगा, पेंट करवाना पड़ेगा, तो जिससे क्या होती है? कूलिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो एक्चुअली उसे क्या कहते हैं? हम उसी को इंसुलेशन कहते हैं।